अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो एक न्यू स्कॉलरशिप थाईलैंड की तरफ से जो अनाउंस किया गया है, टाइटल CMU प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप 2019, इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल देना है और ये बताना है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि मैंने कुछ ही देर पहले अपने इस ग्रुप में, कैरियर्स हेल्प डेस्क के ग्रुप में, ये स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल और इसकी लिंक अपलोड की थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सामने ही ये ग्रेजुएट स्कूल चैग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड की तरफ से अनाउंस किया गया। इसके बारे में जो है ना, मैंने आप लोगों को डिटेल देनी है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर तमाम फील्ड अवेलेबल हैं। दूसरी बात, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, उनकी मेन वेबसाइट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक दिए हैं, आप इन पर क्लिक करें तो ये आपके पास ओपन होती है उनकी मेन वेबसाइट। आप वैसे भी इनकी मेन वेबसाइट जो है चेक कर सकते हैं, जाके गूगल पे लिखें तो न्यूज़ एंड इवेंट इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ गिवन है, अनाउंसमेंट ऑफ CMU प्रेजिडेंटल स्कॉलरशिप है और CMU प्रेजिडेंटल स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी है कि आपने इसको क्या क्या चीज़ है जो आपकी यहाँ पे मीट करनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर दी एलिजिबिलिटी, डॉक्टर के लिए कौन सा है, मास्टर के लिए कौन सा है और लैंग्वेज कौन सी चाहिए, ये मैं आपको दिखाता। चलो सबसे पहले तो हम आते हैं कि मास्टर प्रोग्राम के लिए। मास्टर प्रोग्राम में उन्होंने एक शर्त रखी है, वो ये कि आपका जो है CGPA वो 3.5 या 3.5 से अबव होना चाहिए, इसे कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया ना, एक उन्होंने मेन ये चीज़ रखी है। दूसरी बात, उन्होंने ये कही है कि इंटरनेशनल आर रेगुलर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर डॉक्टर मास्टर थीसिस प्रोग्राम विद इंडिपेंडेंट स्टडी आर नॉट एप्लीकेबल। मतलब कि जो इससे अलहदा करना चाहेगा वो जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और प्रोग्राम स्टार्ट इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। जिन लोगों ने सबसे पहले आपके जो है प्रोग्राम इंग्लिश में किया गया है, उनके प्रीवियस जो डिग्री है इंग्लिश में है, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी अमाउंट कितनी है। जैसा कि ये आपको बता रहे हैं कि ईच फेलोशिप प्रोवाइड 5280 BAHE.2 year, ये है उनकी जो है ना करेंसी है टोटल। और कितने स्कॉलरशिप्स हैं, मास्टर डिग्री के स्कॉलरशिप 100 स्कॉलरशिप्स हैं, इसका मतलब है 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। अब ये अमाउंट बनती कितनी है, फर्स्ट ईयर की जो बन रही है 2,64,000। अगर आप इसको गूगल पे चेक करें, जैसा कि अभी मैंने लिखा हुआ है थाई बात इक्वल्स जो है वो बनता है तकरीबन इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11,77,414 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं जो आपको एनुअली दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी जो है ना यहाँ पे अमाउंट गिवन है, ट्यूशंस एंड फीस आप कितनी होगी, लाइफ एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस इन द बॉक्स, लिविंग अलाउंस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और ये होगा, और जो मंथली स्टाइफंड है लोग उसके बारे में भी पूछते हैं कि हमारे पास कितना हमें दिया जाएगा, तो वो ये है लिविंग अलाउंस जो है 72,000। अगर हम इसको वहाँ पर लिख के चेक करें कितना बनता है, तो मैं आपको बताता चलूँ 72,000 ये बनता है 3,21,112 ईयर का। ये पर ईयर अगर आप इसको डिवाइड करें अपने 12 मंथ पे, तो आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं तो कितने हैं फाइव, इसको हम डिवाइड करें, आप इसको 12 मंथ पे डिवाइड कर लें तो तकरीबन बहुत अच्छा जो है स्कॉलरशिप है आपके बारे में। ये इसी तरीके से डॉक्टर के लिए गिवन है, 100 स्कॉलरशिप्स हैं, नॉट लेस देन 3.5, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम ना हो। यहाँ पे इसका भी अलाउंस दिया गया कि 3 ईयर के लिए कितना होगा। अब जनरल जो क्राइटेरिया है वो इसका सिंपल यही है, पब्लिश इन वेब ऑफ द साइंस इन फला फला, ये है कुछ भी नहीं है, सिंपल वही है, हायर लेवल एजुकेशन कॉम्पिटेंस इन राइटिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग। जैसा कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो है आपकी CGPA 3.5 या उससे अबव होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो हाई लेवल के जो है स्टूडेंट्स को कंसिडर करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए। हैव एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द इफेक्टिव पीरियड ऑफ नो लेस देन 3 बिलियन थाई, ये सिंपल क्राइटेरिया, इसको आपने बस इग्नोर कर देना या सिंपल एक बार इसको पढ़ लेना है, बाकी जो है वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि अभी मेन चीज़ है अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ये एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, लॉग इन का भी है। जैसा कि हमारे पास नहीं है, हमारा न्यू अकाउंट है, तो आपने इस पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना सिटीजन आईडी और पासपोर्ट नंबर जो भी आप यहाँ पे देना चाहें, जो भी आपका है, आप आईडी कार्ड देना चाहते हैं या पासपोर्ट नंबर देना चाहते हैं, जो भी अपना देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं DL 2657631 आई थिंक जो है ना मेरा पासपोर्ट नंबर वो ये है। चलिए पासपोर्ट नंबर मुझे सही तरीके कन्फर्म नहीं है, मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ 3230192 3
3216367 जीमेल आईडी जो भी आपकी है आप यहाँ पे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ईमेल करेक्ट, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसा कि वो आपके कंफर्मेशन कर रहा है, चेक कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखें ना, आपका पर्सनल डाटा अब जो है ऑटोमेटिक लॉगिन हो गए। अब यहाँ से वो आपसे पर्सनल डाटा जो है रिक्वायर कर रहा है, आइडेंटिटी कार्ड है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, गार्डियन है, जो भी आपको फिल करेगा, सारी जो है आपकी डिटेल, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, डिग्री ग्रांटेड, वर्क एक्सपीरियंस, अटैच फाइल्स, उसके बाद क्या हो गया सबमिट। ये आपके पास सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म है। अब मैं इसमें बताता हूँ कि आपने इसमें कैसे फिल करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नेशनैलिटी आपने यहाँ से अपनी क्या कर लेनी है, पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका बनता है। पाकिस्तानी के बाद जो भी आपका रेस बनता है, आपने यहाँ से भी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, टाइटल आपने यहाँ से जो भी है, मिस्टर मिसेज डॉक्टर जो भी आपका यहाँ पे है, आपने वो ले लेना है। फर्स्ट नेम जैसा कि मेरा मोहम्मद है, लास्ट नेम उस्मान आ गया। पासपोर्ट नेम, नेम पे क्या होता है आपने देखा होगा उलट नेम होता है, तो आपने यहाँ पे उस्मान मोहम्मद के नाम से नाम लिखना है। प्रेफर्ड रिटर्न नेम जो भी आप प्रेफर करना चाहें वो कर लेना है, इंग्लिश ओनली। जेंडर आपके मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है जो भी है। रिलीजन आपका जो भी है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, या जो भी आप बनते हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लड टाइप आपका कौन सा है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, जो भी आपका यहाँ से बनता है आपने वो कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो आपने इसको नन सिलेक्ट कर लेना है। डिसेबिलिटी नहीं, हमारे पास कोई नहीं, अगर है तो आपने कर लेनी है, नहीं है तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। आइडेंटिफिकेशन आर दी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे जैसा कि है, इशू डेट आपका क्या है, एक्सपायरी डेट आपकी क्या है। कोशिश कीजिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर की जगह आईडी नंबर दिया, तो मेरा आईडी कार्ड नंबर आ गया। आप लोगों ने जब लॉगिन करना है तो इसको क्या करना है, आपने पासपोर्ट नंबर अपने देना है, आईडी कार्ड नंबर नहीं देना। इशू डेट कब हुआ, एक्सपायरी डेट क्या थी, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, और फ़ोन नंबर आपने अपने कंट्री कोड के हिसाब से देना है। जैसा कि यहाँ पे है 0092, और नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पे आपको रब्ता किया जाए, आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस देना है जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब कि घर का एड्रेस देना है, ताकि जो आपके पोस्टल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच सके। परमानेंट एड्रेस अगर तो आपका वही एड्रेस है, तो आपने सेम एज अ मेलिंग एड्रेस पे क्लिक करना है, तो आपका ये ऑटोमेटिक सेक्शन जो है रिमूव हो जाएगा और आपका वही वाला एड्रेस कंसिडर किया जाएगा। गार्डियन कौन होता है, वो होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, जैसा कि आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी। आपने उनका यहाँ पे डिटेल देनी है, फादर की दें, मदर की दें, आपका आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा पेरेंट्स में से ही किसी की आप यहाँ पे डिटेल दे, उनका एड्रेस जो भी हो आपने देना है। अब यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट इफ एनी, द टेस्ट मस्ट हैव बीन टेकन विद इन लेटेस्ट 2 ईयर आपने वो देना है। अब यहाँ से जैसा कि आप देख रहे होंगे, इंग्लिश टेस्ट स्कोर यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है, आइट्स है, टफल है, नेटिव स्पीकर है, जो भी है। आप यहाँ पे अगर नेटिव स्पीकर पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके ये सेक्शन सब कुछ सब रिमूव हो गए हैं। अगर आप ये सब कुछ करना चाहें, अगर नेटिव भी क्लिक करें, यहाँ इस सेक्शन के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि मीडियम ऑफ लर्निंग वॉज इंग्लिश, जो भी था आपका प्रीवियस का, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई हैव जो मैं है ना तकरीबन 4, 5, 6, 7 सालों से जो है मैं इंग्लिश में अपनी स्टडी कर रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर नहीं भी देना चाहते, आप नन पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे स्कोर है और यहाँ पे टेस्ट डेट है, तो आप यहाँ पे टेस्ट डेट आप एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, और स्कोर के अंदर आप लिख सकते हैं कि जो भी जो है ना कि मीडियम ऑफ लर्निंग वॉज इंग्लिश, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। अच्छा जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्या है, आप ग्रेजुएटेड मतलब कि कंप्लीट हो गए हैं, या स्टडी इन द लास्ट सेमेस्टर, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे स्टडी इन द लास्ट सेमेस्टर का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट का मतलब होता है कंप्लीट हो गया, रिसीविंग डिग्री जो भी है आपकी आपने यहाँ से करना है, फिल आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है एमएससी, आपने यहाँ पे लिख देना है एमएससी, बीएससी, बीएस, जो भी आपका बीई है आपने वो कर देना है। प्रोग्राम जो भी आपका केमिकल इंजीनियरिंग जैसे मेरा है, आपका फिजिक्स होगा, मैथ होगा, जो भी होगा आपने उसको फिल आउट करना है। डिग्री ग्रांटेड कौन सी कहाँ से आपको मिली, जैसा कि अब यहाँ पे है, आप जिसकी भी देना चाहें, हाई ग्रेड डिप्लोमा, बैचलर है, मास्टर है, क्योंकि अब देखो ना हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए अब अप्लाई करना है तो हमारे पास मास्टर, मास्टर के लिए तो बैचलर, बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो हाई ग्रेड डिग्री होगा। अब मेरे पास बैचलर है क्योंकि मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मास्टर के अप्लाई करने के लिए आपने फॉर्म यहाँ पे देखे ना, ये सब कुछ है, ये ट्रांसलेटेड नहीं है, ये यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गिवन है। आपने यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी कोई भी सर्च आउट कर लेनी है कि जो है आपने कहाँ पे करना है। ये देखे ना, ये सब जो है ये ट्रांसलेटेड नहीं है, आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है। करने के बाद अदर इंस्टीट्यूशंस अगर आपके पास नहीं है लिस्ट, यहाँ पे आपको नहीं मिली
इंस्टीट्यूशन की। आपने अदर पे क्लिक करना है, अदर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है, अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूशन जो है आपने राइट डाउन कर देनी है। जीपी आपको कितना था आपने वो लिखना है, एकेडमिक ईयर कौन सा एकेडमिक है आपके, अगर कंप्लीट हो गया तो आपने लास्ट ईयर कर देना है 2018 एंड फोर्थ ईयर, जो भी है आपने हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे लिख देनी है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, ऑक्यूपेशन प्रेजेंट जो भी आपके पास है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, प्राइवेट में फ्रीलांसिंग है, स्टेट हैं, अगर आप अदर्स हैं, नो इनकम जो भी है आपने यहाँ से वो चेक कर लेना है। वर्क प्लेस कौन सी थी, पोजीशन आपकी क्या थी, स्टार्ट डेट टू एंड डेट, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बताना है, पीरियड ऑफ टाइम वर्किंग कि आप पर मंथ पर डे या पर ईयर कितने आवर्स में आप काम करते हैं, आपने इसके बारे में डिटेल देनी है। हाउ डिड यू नो अबाउट दिस मेट्रिकुलेशन, आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना, इंटरनेट से सुना, ब्रोचर से सुना, बिलबोर्ड है, पोस्टर है, फ्रेंड्स रिलेटिव है, फैकल्टी है, अदर स्पेसिफाई आप जो भी है आपने यहाँ से कर लेना है। अब अटैच फाइल्स का मतलब है कि आपने यहाँ पे अब सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अटैच करने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड वी आर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन सिस्टम मस्ट बी स्कैंड इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड रेडी टू बी अपलोड बिफोर एक्सेस टू दी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। इसका मतलब है कि आपने पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। कौन कौन से करने हैं, रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, कॉपी ऑफ दी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन में होनी चाहिए, कॉपी ऑफ दी आइडेंटिटी कार्ड ये थाई स्टूडेंट्स के लिए, कॉपी ऑफ पासपोर्ट ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कॉपी ऑफ दी हाउस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये थाई स्टूडेंट्स के लिए, ये फॉरेन के लिए नहीं है, कॉपी ऑफ दी पेमेंट रिसिप्ट ये भी थाई स्टूडेंट्स के लिए है, फॉरेन स्टूडेंट्स विल बी एक्सेप्ट फॉर दी रजिस्ट्रेशन फी, कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे तो फुली फंडेड है, आपसे जो है इसे रिमूव कर दिया जाएगा। कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग नेम आर सरनेम चेंजिंग आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ माइग्रेटेड रजिस्ट्रेशन, ये उनके लिए है जो माइग्रेट होना चाहते हो, आपके लिए नहीं है। इसका मतलब है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, बिनको आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से आप जो है अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जब आप इसको अपलोड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन भी आपके पास गिवन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सिंपल छोटा सा फॉर्म है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, इसको आपने यहाँ से इस तरह से अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स भी इसमें जो है ज़्यादा आपसे रिक्वायर नहीं किए गए, तो आपने क्या करना है, फाइनल आउट इसको सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स को हैं सबमिट करें अलग से। अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, अटैच अ फाइल का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है क्लिक नहीं हो रहा। जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो है वो ऑप्शन आपसे करेगा कि डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, एक ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अब इसकी डेडलाइन क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ, डेडलाइन इसकी यही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट है एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, ये मेन उनकी वेबसाइट पे गिवन है। अब इसकी डेडलाइन जो है वो मैं आपको बताता हूँ, डेडलाइन क्या है इसकी, डेडलाइन का जो है जिक्र अभी तक कहीं पे नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ये ऑन गोइंग है, जब तक आपकी जो है उनकी एप्लीकेशंस क्राइटेरिया को या एप्लीकेशंस नंबर को मीट नहीं करती तब तक जो है ये जारी रहेगा, इसकी डेडलाइन यहाँ पे गिवन ऑफिशियल नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके जो है आप लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के चांसेस हो। दूसरी बात यही होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे भी कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं कि जो पहले अप्लाई कर लेता है उनकी एप्लीकेशन को पहले कंसिडर किया जाता है कि जो है ना इनको सबसे पहले स्क्रीन किया जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर दें, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, सब प्रोग्राम्स के लिए है, मास्टर के लिए है, पीएचडी के लिए है और बैचलर के लिए भी है, लेकिन बैचलर्स के लिए फुली फंडेड का ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर हुआ भी तो सिंपल एजुकेशन फ्री की जाएगी, बाकी जो होंगे वो एक्सपेंसेस नहीं होंगे, हो भी सकता है लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे गिवन नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर दें, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें अप्लाई करें और आसानी से अप्लाई कर सके। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, आपने सिंपल यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतने अच्छे आपके चांसेस होंगे इस स्कॉलरशिप के सिलेक्शन में। तो आज की वीडियो का जो है वो मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए इसको कैसे करना है। और दूसरी बात ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँ कि आप लोगों ने हमारा चैनल देखा ही है कि कैसे मूव कर रहा है और चल रहा है,
तो अगर लोगों को इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स को, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट से भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप को भी विजिट कर सकते हैं। वो भी इसी नाम से है, कैरियर्स हेल्प डेस्क के नाम से, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। तो दूसरी एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।